जोशी स्पेशल। बचपन से मैं और राहुल सेम सोसाइटी में रहते हैं एंड वी गो टू द सेम स्कूल एंड क्लासेस वेल एंड सेम ट्यूशंस, इसलिए स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ द डे टुगेदर और बड़ी मस्ती करते हैं। अब चाहे वो स्कूल के बेंच पर डिजाइन बनाना हो या स्कूल के बाद खेलना, मॉल्स में चिल करना, ऑनलाइन गेम्स, प्लेस्टेशन और वेकेशन में कहीं साथ घूमने जाना और मिलके किसी की टांग खींचना, हम वो सब कुछ करते हैं जो जो इस एज में फ्रेंड्स को करना चाहिए। और कभी कभार हम वो सारी चीज़ें भी करते हैं जो इस एज में नहीं करनी चाहिए। हमें शरारत करना ना बहुत अच्छा लगता है। इसी शरारत के वजह से टीचर राहुल को क्लास से निकाल देती है। अब मैं भी क्लास में बैठे बैठे क्या करूं? इसलिए मेक श्योर दैट टीचर थ्रोज मी आउट ऑफ द क्लास टू। फिर जैसे बाहर तो अपना ही मनमानी है, जो मर्जी कर लो कोई नहीं रोकेगा। द मेन रीजन व्हाई मेरी और जोसेफ की इतनी बनती है इज बिकॉज वी बोथ लव पागलपंती। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लास्ट ईयर हमारी स्कूल पिकनिक अलीबाग गई थी। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। हमने एक सॉलिड प्लान बनाया था। वी वर हाफ के जी पोटेटोस एंड बड़े नेल्स 250 ग्राम्स। पूछो क्यों? क्यों क्यों? मैं बताता हूँ। अब हम बस में ट्रैवल कर रहे थे, हमारी जर्नी कुछ 10 घंटे की थी, तो हम बीच में डिनर के लिए रुक गए थे। तब मैंने और जोजी ने नेल्स को पोटेटोस में इंसर्ट करके बस के टायर के नीचे रख दिए। आफ्टर 3-4 किलोमीटर्स हमारा मकसद पूरा हो गया। बस के 2 टायर पंक्चर हो गए। टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स बहुत गुस्सा हो गए। But we were the happiest ones. Anyways, जब हम अलीबाग पहुंचे, हमें बस समंदर में जाना था। We were excited for the various water sports and rides. पर हम क्लास के साथ बीच पर खेल रहे थे, फिर हम बोर हो गए। तो मैंने ज्योति से कहा, चल समंदर में चलते हैं। मैंने उसे डेयर की थी। He was reluctant. थोड़े डरे हुए थे, पर अभी दोस्ती और मस्ती का सवाल था। तो हम टीचर से छुप छुप के दूर चले गए एंड वी एंटर द सी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वी वर जस्ट एंजॉयिंग द वेव। हम ऊपर आते फिर नीचे जाते, अगर टीचर देखती तो फिर नीचे जाते फिर ऊपर आते। उतने में एक बिग वेव और उसकी फोर्स ने मुझे बीच पर ढकेल दिया। जोजी कहीं नहीं दिखाई दिया। लगा वो टीचर से छुप रहा होगा। मैं उसके लिए रुका। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगी, जोजी कहाँ पर है? उसको मैंने रिप्लाई दिया कि जोजी आ रहा है। फिर मैं डर गया। मैं टीचर को कहने चला गया पर छुप तक। पहले बताया होता, काश हम समंदर में जाते ही नहीं। काश मैंने उसके डेरे दे दिया होती थी। राहुल को लगता है that he was responsible for this incident. उसे लगता है कि ये गलती उसकी है, but no, I'm equally responsible. In fact, ये किसी की भी गलती नहीं है। It was an accident. जो होना था बस हो गया। उस दिन के बाद राहुल यहाँ बहुत बड़ा है और हर बार when he cries, he says sorry, उसके चेहरे पे guilt होता है, बोझ होता है। I just want to tell him that मैं उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। In fact, मैं भी miss करता हूँ उस मस्ती को, वो पागलपंती को। मैं चाहता हूँ कि वो एक बार मुझे सुन पाए। मुझे माफ कर दे यार। It's okay, I'm not angry. मैं सुन रहा हूँ तुझे। It was not your fault. मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। अरे it was not your fault. It's okay. वापस आ जा। ये तेरी गलती नहीं थी। It was an accident. मस्ती कर सकते हो, पागल मस्ती कर सकते हो। Please सुन मेरी आवाज। वो तेरी गलती नहीं थी। It's okay. न
मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने जो खुदा माना याद करेगी